नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका द न्यूज टॉक में। अगर आप भी बादाम खाते हैं तो एक बार जरूर पढ़ें ये खबर। दिमाग बढ़ाना हो या फिर शरीर को हेल्दी रखना हो, हर घर में बादाम खिलाए जाते हैं। कोई इन्हें शाम के स्नैक्स की तरह तो कोई बादाम को सुबह भिगो कर खाता है। इसे खाने के लिए कोई खास माप नहीं होता, इसी वजह से हर कोई मुट्ठी भर बादाम खाने की बात कहता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ज़्यादा बादाम खाने से आपके शरीर को कितना फ़ायदा पहुंचता है और कितना नुकसान? आप भी इसका सेवन अगर करते हैं तो ये जान लीजिए। रोज़ाना सुबह 4 से 6 बादाम का सेवन करने से आपकी मेमोरी तेज़ होती है, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम ठीक काम करता है, आपका दिमाग स्वस्थ रहता है। यदि आप सुबह भीगे हुए बादाम खाएंगे तो आपकी चर्बी तेज़ी से घटेगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें मौजूद मोनोसैचुरेटेड फैट आपकी भूख को रोकने और पेट को लंबे समय तक भरे रहने का एहसास दिलाता है। बादाम में अधिक मात्रा में फाइबर मौजूद होता है जो कि भोजन पचाने में मदद करता है। 4 से 5 बादाम खाने के बाद 1 गिलास पानी पिएं, इससे आपकी कब्ज की समस्या दूर होगी। इसके अलावा इसका सेवन करने से पेट के कैंसर का खतरा कम होगा, कब्ज की समस्या खत्म होगी। बादाम के अंदर एंटीऑक्सीडेंट और गुण होते हैं जो मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं। इसके कारण बादाम खाने से दिल का दौरा और दिल की बीमारियों का खतरा कम हो जाता है। बादाम खाने से बुरा कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो कैसी लगी ये जानकारी, हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी आज की ये खबर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर अपने कमेंट देना ना भूलें। साथ ही इसी तरह की रोचक और मज़ेदार जानकारियों और ख़बरों के लिए द न्यूज़ टॉक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।